नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं सिक्स क्लास। तो आज हम अ लेटर टू गॉड का कंप्लीट बेस चैप्टर एमसीक्यू करेंगे, ठीक है, जो आपकी फर्स्ट फ्लाइट से लिया गया है। चैप्टर वन है अ लेटर टू गॉड, ठीक है। तो यहां पे आ जाए सीधे, ठीक है, शीरा है आपका एमसीक्यू बेस्ड ऑन कंप्लीट चैप्टर। एमसीक्यू बेस्ड ऑन कंप्लीट चैप्टर, सी द गिवन इमेज केयरफुली एंड आइडेंटिफाई द चैप्टर। आपको क्वेश्चन में इस प्रकार से दे देगा पेपर में, और आइडेंटिफाई करना है किस चैप्टर से है आपका। ये तो काफी इजी है, ठीक है। तो अ लेटर टू गॉड, ये सब इसी में से लिया गया है, ठीक। हैक ड्राइवर, द थीफ्स स्टोरी, ये सब तो बिल्कुल नहीं है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चित्र भी आ सकता है, उस हिसाब से आपको इमेज को देख के आइडेंटिफाई करना होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, हाउ वाज लैंचो एक्सप्रेशन व्हेन रेन स्टार्टेड, मतलब उसकी जो उसके थोपड़ा था कैसा बन गया था जब बारिश हो रही थी। तो इस प्रकार से था, इस प्रकार से था, इस प्रकार से बिल्कुल खुश हो चुका था। तो ये इस प्रकार से था, ये बस मुस्कुरा रहा है लेकिन खुश हो चुका था, दांत दिखा रहा था अपने, शायद काले काले, नहीं काले नहीं थे बेचारे के, ठीक है। अब इस पे आते क्वेश्चन नंबर तीन पे, क्वेश्चन नंबर तीन पे। तो लैंचो कंपेयर द क्वांटम ऑफ डैमेज विद अटैक ऑफ रैट्स, अटैक ऑफ क्रोस, प्लेग ऑफ लॉक्टस, नॉन ऑफ दिस। तो किस वजह से उसे समस्या हुई थी, किसका अटैक हुआ था, प्लेग ऑफ लॉक्टस का, जो वो आप होते नहीं आपके मकोड़े वो उस टाइप के। क्वेश्चन नंबर चार, लैंचोज होप वर ब्लीव बिकॉज, वो आशा करता था लैंचो क्योंकि द सनलाइट वॉज इनफ, द रेन वॉज स्टिल गोइंग ऑन, द हेल लस्टेड, ठीक है, फॉर एन आवर द चिल्ड्रेन वॉज सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल। उसकी आशा झूठी क्यों साबित हुई, क्योंकि जो बारिश थी काफी देर तक हो गई थी आपकी, ठीक है। तो ये आपका सी इसमें आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर पांच, व्हाट डिड लैंचो सेड टू हिज सन्स आफ्टर द हिज हेल पास, जब ये सब हो गया, जब ओले ओले पड़ के चले गए, तो उसने अपने बच्चों से क्या कहा था, ठीक है, ये अपने बच्चों से कह रहा है यहाँ पे। तो उसने बच्चों से बोला था, ए प्लेग ऑफ लॉक्टस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, द हेल हैज लेफ्ट नथिंग। बिल्कुल, अगर ये कुछ होगा और वो कुछ कीड़े मकोड़े जो लॉक्टस को छोड़ेंगे नहीं। हाँ, इसने ये बात भी स्टेटमेंट दी थी, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, ये भी कहा था। देयर आर नो वन कैन हेल्प अस, हमारी हेल्प तो कोई नहीं करेगा, वी सेल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। बिल्कुल, तो इसने सारी चीजें कही थी, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिक्स पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स है, व्हाई डिड द पोस्टमैन लाफ हेरेटली, काफी जोर से क्यों वो हंसता है, ऐसा क्यों करता है, ऑन सीइंग द लेटर एड्रेस टू गॉड। बिल्कुल, वो भगवान का जब पता देखता तब भी हंसने लग जाता है, ऑन सीइंग लैंचो कंडीशन में नहीं हंसता ही, हेरेटर जोक, ऑल ऑफ दीज, नहीं, ऑल ऑफ द अबव, ये सब नहीं है। तो पहला ही आंसर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर सात पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर सात किस प्रकार से है, व्हाई डिड द पोस्टमास्टर रन सीरियस ऑन सीइंग द लेटर एड्रेस ऑन गॉड, मतलब सीरियस क्यों हो गया इतना, पहले तो मजाक बना रहा था, वो इस वजह सीरियस हो गया क्योंकि उसको उसने देखा कि लैंचो को कितना भगवान पे विश्वास है, बिकॉज द रियलाइज द लैंचो वॉज आस्किंग फॉर मनी, नहीं ये भी नहीं है, बिकॉज द रियलाइज दैट लैंचो नीड गवर्नमेंट हेल्प, नहीं ये भी नहीं था, बिकॉज ही रियलाइज दैट लैंचो हैड इमिनेस फेंथ इन गॉड, बहुत ही अत्यधिक उसे आशा थी, बिकॉज लैंचो हैड इम्प्योर टास्क टू डू, नहीं ये भी नहीं है। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आठ की तरफ, क्वेश्चन नंबर आठ आपका इस प्रकार से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आठ, Why did Lancho ask the god not to do send the money through mail? मेल के थ्रू से ना भेजे, क्यों, सीधी सी बात है, उसे लगता है पोस्टमार्टर कहीं चुरा ना ले उसके पैसे। He did not want to come to the post office, नहीं पोस्ट ऑफिस नहीं आना चाहिए, तो बिल्कुल गलत है। He thought the post office employees had stolen, बिल्कुल post office was away, नहीं ये भी none of this, इसका आंसर भी बिल्कुल सही, उसे लगता है कहीं उसके पैसे चुरा ना ले जाए। क्वेश्चन नंबर नौ, मैच द फॉलोइंग कैरेक्टर्स विद देयर डिस्क्रिप्शन एज गिवेन इन द स्टोरी अ लेटर टू गॉड, ठीक है। पोस्ट मास्टर लैंचो वाइफ, पोस्टमैन लैंचो, ठीक है। यहाँ कुछ चेक दे रखे हूँ, चेक करना है। देखो लैंचो वाइफ तो यहाँ सीधे इसको मिला, तो बी का फोर्थ कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब लैंचो आपको मिलाना है, ठीक। अब आपका देखो यहाँ पे लैंचो बचता है, अब इसको डायरेक्ट लैंचो को इसको मिला दो,
फेथफुल ऑन टू गॉड, फेथफुल में काफी उसका विश्वास था। आपके दो छूट गए, पोस्ट मास्टर पोस्टमैन, ठीक है। जो आपका पोस्ट मास्टर था फैट एमिबल फिलो था, वो आपका पोस्ट मास्टर इस प्रकार का, ठीक है। और जो पोस्टमैन था आपका अनकंसर्ड, इस बारे में कर देते हैं। तो इसका हो जाएगा पहले का दूसरा, ठीक है, ए का दूसरा, ए का दूसरा, ए का दूसरा कहाँ है, कहीं नहीं मिल रहा ए का दूसरा, ए का दूसरा ये था, ए का दूसरा। और फिर लेंचो वाले डायरेक्ट मिला लेता हूँ मैं, तो डी का पहला, डी का पहला ये मिल रहा है, डी का पहला यहाँ भी मिल रहा है, ठीक है, ए का दूसरा लेकिन नहीं मिल रहा है। पोस्ट सी का तीसरा, सी का तीसरा, ये तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 ये फैक्ट वाला आपको दिया गया है, ठीक है। पिक द ऑप्शन दैट करेक्टली क्लासीफाई फैक्ट ओपिनियन गिवन बिलो। तो फर्स्ट वाले, आई थिंक द पोस्ट मास्टर शुड हैव टोल्ड लैंचो रियलिटी। देखो आई थिंक, कभी भी थिंक आ जाए वो आपको तुरंत ओपिनियन बना दो प्यारे बच्चों, ठीक है। दूसरा है लैंचो हैज एक्सट्रीम फेथ इन गॉड, बिल्कुल ये फैक्ट है, काफी उसको आशा, तभी तो लेटर लिखा था उसने कि भगवान मेरी मदद करेगा, ये फैक्ट है बच्चों, ये वाला फैक्ट। क्वेश्चन नंबर तीसरे, तीसरे पे क्या है, द पोस्ट मास्टर डिजायर टू हैव अ फेथ फेथ लाइक लैंचो इट इज टू बिट, नहीं ये ओपिनियन है, ये उसका अपना खुद का था, ये ओपिनियन है। द पोस्टमैन मस्ट हैव बीन कंफ्यूज अबाउट द लेटर, नहीं कंफ्यूज नहीं था अबाउट के लिए, ये ओपिनियन है आपका, ठीक है, था भी नहीं भी था, ठीक है, पहले तो हंस रहा था फिर बाद में वो सीरियस हो गया, ठीक है, तो ये आपको ओपिनियन में चला जाएगा। तो इसमें फैक्ट बस दूसरा ही है, अब यहाँ पे देखेंगे तो फैक्ट कौन कौन सा है इसमें से, फैक्ट बस दूसरा ही है, फैक्ट पहला दूसरा है, तीसरा दूसरा, देखो दूसरा दूसरा तो फैक्ट है, इस पे पहला ही सही क्योंकि वो एक ही फैक्ट है, बाकी सब ओपिनियन, दो तीन चार ही ओपिनियन, इसका आंसर ए बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन हम 11 पर, ठीक है, यहाँ 10 तक क्वेश्चन हो चुके हैं, क्वेश्चन 11 पर चलते हैं। क्वेश्चन 11 किस प्रकार से दिया गया है वो आपके सामने है। इज द स्टोरी द लेटर टू गॉड इन इज ऑल अबाउट लव, ठीक है, फेथ, एम्प्टी, डिपेंडेंस, ठीक है, थोड़ा छोटा लग रहा है मेरे को यहाँ पे वीडियो में देख रहा हूँ ना, अ लेटर टू गॉड, तो ये लव पे है, इम्यूनिटी मतलब ये शत्रु दुश्मनी पे है, फैन पे है मतलब आशा आशावादी होना, डिपेंडेंस पे निर्भर होना, ना निर्भर होने में तो बिल्कुल नहीं है, वो तो काम तो फिर भी कर रहा था, लव प्यार जैसा थोड़ा बहुत लग रहा है, शत्रुता भी बिल्कुल नहीं था, लेकिन वो आशावादी दिखाया गया भगवान में कितना आशा, तो इसका तीसरा बिल्कुल प्रॉपर मुझे सही लग रहा है, तो ये ओनली इसका सी हो जाएगा, ठीक है, ओनली थ्री। ऑप्शन नंबर बी, द स्टोरी अ लेटर टू गॉड सेट इन कौन से, कहाँ सेट गया, लैटिन अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, तो ये लैटिन अमेरिका था आपका अगर आया, तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द आयरनी इन दिस लेसन, इस लेसन की आयरनी क्या है आपकी, ठीक है। लेंचो, लेंचो जो आपका लेंचो था ये आपका वाज सेड आफ्टर द हेल स्ट्रॉम, जब वहां पे ओले पड़ने लगे, इवन थॉट ही वाज वन वेटिंग द शावर, ठीक, नहीं ये तो आयरनी बिल्कुल भी नहीं है। पोस्ट मास्टर लाफ एट द लैंचो बट स्टिल हेल्प अरेंज मनी ऑफ द हिम, नहीं ये भी नहीं लग रहा उतना, आगे पढ़ लेते हैं। और लैंचो ब्लेम द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय हु इन फैक्ट हेल्प हिम, तो इसे ये विधवता देखिए, जो पोस्ट मास्टर ने उसकी मदद की थी और उसने कहा इसने मेरे कुछ पेनी रख लिए थे, ठीक है, तो ये वाला सही है, देखो तो उसकी हेल्प भी करता है और यहाँ इसकी ये सीन देखिए कि वो उसको ब्लेम भी कर देता, तो तीसरा देयर इज नो आयरनी, नहीं ये आयरनी इसका, ये वाला तीसरा वाला बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ क्या है, व्हाट टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट डज द चैप्टर हाईलाइट, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नेचर एंड ह्यूमंस, अच्छा नहीं ऐसे थोड़ी ना उनके नेचर ह्यूमन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट कैसे करेगा, कॉन्फ्लिक्ट एमंग ह्यूमंस, हाँ बिल्कुल, कॉन्फ्लिक्ट एमंग गॉड एंड नेचर, गॉड एंड नेचर के बीच में है, ठीक है, आपको क्या लग रहा है, गॉड मतलब यार नेचर, सेम सेम से मतलब, ये दोनों मुझे उतना सही सा नहीं लग रहा है, ठीक है, तो ये भी ठीक लग रहा है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नेचर एंड ह्यूमंस, नहीं ये भी सही है, गॉड वाला है ना तो गॉड नहीं होगा, तो ह्यूमन एंड नेचर के बीच में गॉड एंड नेचर क्या होगा, ये तो कोई मतलब ही बनता, तो इसका ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी सही है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 पे आता है, व्हाट वुड यू डू इफ यू वर इन द प्लेस ऑफ लैंचो, लैंचो के स्थान पर होगे तो आप क्या करोगे, यू वुड ब्लेम गॉड,
भगवान को दोषी ठहराओगे। यू वुड राइट अ लेटर टू गॉड लाइक लेंचो, कि आप भी लेंचो की तरह लेटर लिखोगे। यू वुड आस्क अदर फॉर हेल्प, दूसरों से मदद की सहायता करोगे। यू वुड लॉस ऑल होप्स ऑफ रिग्रोइंग योर फील्ड एवर, मतलब हमेशा के लिए आशा खो दोगी, अब तो ये दोबारा फसल होगी ही नहीं। तो यहाँ पे बचने कोई तरीका दिया ही नहीं गया कि दूसरों से हेल्प लोगे, ठीक है, पत्र लिखोगे, तो ये तो बिल्कुल नहीं करोगे, ठीक है। तो ये आपका कमेंट में बताना कि अगर आप लंच की जगह होते तो इसमें से कौन सा ऑप्शन लेते, ठीक है। तो सबका अलग अलग हो सकता है, या आप सारी चिंताएं मतलब सारी आशाएं खो देते, या किसी की मदद मांगते, सबका अपना अलग अलग ओपिनियन हो सकता है, ओपिनियन वाला है, तो ये आपका आंसर इसका सही हो सकता है। उम्मीद है प्यारे बच्चों इस चैप्टर पढ़ के आपका थोड़ा बहुत रिवीजन हो गया होगा। माय सीबीएसई क्लास इस वीडियो को देखने धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।